मैंने कपड़े नहीं पहने। इतना अच्छा मौसम हुआ है, मैं इस बार जरूर दिखाऊंगी। मतलब हमारे देश में अगर कभी नाटक भी थी या आगे होगी, मुझे नहीं लगता कि इससे बड़े कोई होने वाली है। हेलो जी, वेलकम टू आवर चैनल LOL। मैंने कपड़े नहीं पहने। मगरमच्छ पानी से बाहर आके थोड़ा धूप में सुस्ता रहा था, मगरमच्छ पीछे लेटा था, मुझे भूल ही गया और मैंने शुरू कर दिया, है ना हर्ष? सॉरी हर्ष। ओ स्टाइल में, ओए ओ हेयर मेकअप चालू हो गया। हाय रब्बा हर्ष, ओ तुम लड़कों की टांग क्यों टेढ़ी हो जाती है जब स्टाइल में आते हो? तो ऐसे ओह नो। ऐसे लगा किसी ने कुर्सी खड़ी की है। देखा दोस्तों, कल हर्ष घर पे नहीं था इसीलिए सोफे पे कोई कपड़ा नहीं, वरना आप अक्सर देखते हैं ढेर पे ढेर होता है। और ये देखो कैसे साफ सुथरे घर को कैसे खराब करता है, इस बंदे से सीखिए। क्या किया यार, एक आदमी घर में रहे भी नहीं। मैं जा रहा हूँ। अरे तू जा रही? अरे यार तुम्हें क्या कुछ मेहसान है? मेहसान नहीं मेहसाना। थोड़ी गुजराती बुलवा मुझसे यार, मुझे मजा आ रहा है। तेरे को नहीं आती गुजराती? भारती तू कभी गुजराती बोल नहीं सकती, कभी नहीं बोल सकती तू गुजराती। आई बड़ी गुजराती बोलने वाली। की तारा माटा गम तू न थी, तारा बिना गम तू न था। के तारा खान क्या था? के तार, अरे बोल ना। अरे भाई एक बार बोला तेरे को समझ नहीं। बोल दोबारा बोल। तारा बिना गम तू न थी। तारा, ये सही कह रहा है ना? के हाँ भाई सही बोल रहा। के तारा न ते गम तार। अरे बिना 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 मैं मर गया बोल बोल के कि तारा बिना, तारा बिना, तारा बिना, लेकिन ये कुछ और ही भलता सा बोल देगी। तू क्या बोल रही है, अक्कल है? नहीं सीख पाएगी तू बात। रुक जा हर्ष, मेरी इतनी एनर्जी नहीं, इतनी जोर से कान में बोला इसने, मत कर हर्ष। क्या हुआ? इन्फेक्शन बाहर आ रहा था कान से, तूने अंदर घुसा दिया। ओह नो। ये कह रहा है कि तू मेरा परफ्यूम क्यों लगाती है? तू मेरा परफ्यूम क्यों लगाती है? देखो दोस्तों एक सेकंड। मुझे लगा कुछ बोलने लगा है। मैं मुझे दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, ये बीवी होके पति का परफ्यूम लगाएगी तो पति को तो पति वाली खुशबू आएगी तुझ में से। ओह नो। तुझमें मुझमें तुझे सॉरी मुझे तुझमें से मेरी वाली खुशबू आती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को गले लगा रहा हूँ। दिस इज बियॉन्ड साइंस। देखा, वैसे मुझे बुखार एक दिन में उतर जाना था, पर इसने एक दवाई के ऊपर इससे तीन गुना ज्यादा लेक्चर दिया, मैं चार दिन तक बीमार थी। बट बैक टू परफ्यूम, क्योंकि मुझे सिर्फ खुशबू से मतलब है, मेरे को नहीं औरत है, खुशबू अच्छी होनी चाहिए, बस पसीने की नहीं होनी चाहिए। पसीने की नहीं बात है, बात है कि तुम मेरा परफ्यूम नहीं लगाओगी। यार इसको बोलो ऊंचा मत बोला करे, मैं बीमारी से उठी हूँ। सुनो 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 सुनो, मैं ऊंचा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तेरे व्लॉग में साउंड का इश्यू है, नहीं आती बहुत बार आवाज। मत बोल ऐसा, ये कैसा पति है यार, मेरे व्लॉग का करता रहता है। तू कैमरा लेके दिया फोन में यूज क्यों? कैमरा लेके दिया है ना? कैमरा नहीं करना। कैमरा इतना ऊंचा ऊंचा बोलता है यार, मेरा रोना निकल रहा है। देखा कितना पानी, सारा पानी तो बाहर कर दिया यार तूने। मस्कर बोले यार ऐसे कैसा है? थका 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 नहीं थका सो भी गोला फुल एंजॉय कर रहा है और हर्ष उसका पूरा ध्यान रख रहा है। तो मैं बता दूं कि आज मुझे रात को एक अवार्ड फंक्शन पे जाना है, मुझे अवार्ड मिल रहा है और मुझे अवार्ड कोई खास बंदा दे रहा है, वो मैं आपको वहां जाके बताऊंगी। देखिए गोला भी रो रहा था और हर्ष ने निंजा टेक्निक फिर से अपनाई और टेंट वाला घर बना लिया। और हर्ष का अरे मेरे को क्यों ले लिया मम्मा? तो देखिए सुरंग में हम हैं और मैं गोला और
इस वक्त लद्दाख में टेंट में है, बाहर बहुत बर्फबारी हो रही है। हर्ष ने पूरी तरह से टेंट को पकड़ा हुआ है और गोला अपने पापा का पूरा साथ दे रहा है उसको गुदगुदी करके। और बस हर्ष मत बोलो, टेंट उड़ गया भाई। अभी 4 घंटे तो टेंट वाला गेम नहीं हो सकता ना। देख रहे हैं आप, देख रहे हैं ये बच्चे को, देख रहे हैं आप। बेचारा बहुत मुश्किल से हर्ष घर पे था। हर्ष पिछलो यार, घर पे रहना तो ये करना पड़ेगा। थैली मंगा के दी, दीदी थैली रखो। इससे ज्यादा फिसलेगा हर्ष, बच्चे को मजा नहीं आ रहा हर्ष। oh, no. थैली से फिसलेगा हर्ष, थैली तो रख। क्या हुआ हर्ष? हर्ष नहीं होगा बार बार ऐसा, तो रहन दो फिर। फिर से आने वाला है अंजलि और राहुल समर कैंप। अच्छा आना चाहोगे हमारे ग्रुप में? आ जाओ, सबको अंदर ले ले। शीला को बोला आ जाओ, तू इधर आ जाए। शीला तू इधर आ जा। यार बाहर इतना अच्छा मौसम हुआ है, मैं इस बार जरूर दिखाऊंगी, कोई देखे ना देखे। देखो तो चलिए जी, थोड़ा बहुत रेडी हो गए हैं, एनर्जी अभी भी कम है। तैयार करते करते नूर मुझे 150 बार कह चुकी है, 150 बार मुझे कह चुकी है मैम मत जाओ ना, अगर नहीं जा सकते तो। मैंने बोला नहीं, अभी हाँ बोल दिया तो जाना ही है ना विष्णु? हाँ जी, क्योंकि एक बार कमिटमेंट कर दी। ऐसा नहीं, घड़ी उतरना है। हाँ घड़ी उतरना है, ऐसा नहीं होता है। इसको किसी दिन इसके मोहल्ले की औरतें मारेंगी, देख। किसी में हिम्मत है क्या? बच्चा छोड़, समझ को छोड़ दे। क्या 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 है किसी में हिम्मत? नूर भाई हूँ मैं। तेरे को बच्चा समझ को हाथ नहीं लगा रहे, बाकी कुछ नहीं। मुन्ना तुम्हारे होती है ऐसी लड़कियाँ? तो चलिए जी, बारिश में हम जा रहे हैं अवार्ड के लिए। और बस आज विष्णु भी हमारे साथ गाड़ी में ही, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, बैग वैग गीला हो जाएगा। तो मतलब विष्णु वापस आएगा बैग लेने? हाँ जी। वाह विष्णु वाह, या तो बैग बुक रख देता गाड़ी में, पर तुम गीले हो जाते। ओके तो तुम भी जरूरी हो, ठीक है। मतलब हमारे देश में अगर कभी लापता कोई थी या आगे होगी, मुझे नहीं लगता कि इससे बड़े कोई होने वाली है। बहुत ही मुश्किल से जान बचा के निकले हम धक्का मुक्की खाकर। तुम लोग क्यों करते हो ऐसा हमारे साथ? मैंने नहीं किया। मैं तुम लोग मीडिया वाले ऐसे क्यों करते हो? हमारे टेढ़े मेढ़े फोटो खींचते हो, अच्छे वाले फोटो क्यों नहीं खींचते मेरे? मैं आपको भेज दूँ। सुंदर वाली लड़कियों के तुम कड़क फोटो खींचते हो, और मेरे ऐसे ही थे थोपा कद्दू पड़ा होता ना वैसा। और अगर तुमने मेरे फोटो अच्छे नहीं खींचे ना विशाल, देखी फिर तेरे कैमरे के ऊपर बैठ जाऊंगी मैं। यार ये भाई, चल बाय। सो मैं घर आ चुकी हूँ अवार्ड से, अभी मेकअप नहीं उतारा, और देखा तो हर्ष घर पे है नहीं। ये कहाँ गया? इसको मैं निकली और पीछे से ये कैसे निकल गया भाई? बच्चा घर में अकेला है, आन दो कितने गया पूछ के दसनी। मैं ट्रैफिक में उधर बारिश में फंस फंस के आ रही हूँ, और ये यार। सो अभी बड़ी फनी बात हुई, हमारी पूरी लाइटें बुझ चुकी थी, हम पूरा मतलब मैं तो आधा सो ही चुकी थी। मुझे अचानक से याद आया कि अरे मैंने तो एंडिंग नहीं लिया, हर्ष आ गया है। और बस आधे घंटे पहले ही हम लोग लेटे थे, बातें कर रहे थे, अचानक से सो रहा है वो। हाँ इसीलिए तो ये वाले हम अपने कबाड़ वाले कमरे में आगे बोल रहे हैं। सो हर्ष आ गया है, मैंने बोला था कि मैं जा रही हूँ अवार्ड फंक्शन के लिए, मुझे अवार्ड मिला। कौन सी नई बात है? अच्छा और मिला किन के हाथों? हमारी फेवरेट परी के हाथों। सो उन्होंने तुझे भी हाय बोला और गोले को भी प्यार भेजा है। और बहुत अच्छा दिन था आज, लेकिन इस लड़के ने मुझे धोखा दिया है। oh, no. इसलिए था मैं गोले के पास रहूंगी, मैं आई तो था ही नहीं, अपने दोस्त को मिलने चला गया। मैं और मेरा दोस्त, हमारा प्लान था कुछ। चलो ठीक है, ब्लॉग को एंड करते हैं। जिसने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लो। हाँ बाय।